हेलो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं मछली के न्यू रेसिपी। तो इसके लिए हम ले लिए हैं लहसुन, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, मछली और सरसों। तो अब चलते हैं हम मछली बनाने के लिए। पहले हम कट करेंगे टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, लहसुन, सभी को कट कर लेंगे और उसका अलग अलग रख लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज भी कट कर लिया है, धनिया, टमाटर सभी को हमने कट कर लिया है, सरसों भी ले लिया है। अब इसको हम पेस्ट बनाएंगे। तो हम टमाटर को डाले हैं, फिर लहसुन, और फिर डालेंगे धनिया पत्ता, और फिर लेंगे प्याज को। तो सभी को ले लेंगे और सरसों भी ऐड करेंगे इसमें। सभी का एक पेस्ट बनाएंगे। कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और उसमें डालें यहाँ पे तेज़पात और खड़ा मिर्च को हम तड़का देंगे। और यहाँ पे ब्राउन हो रहा है तो मसाला को ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और फिर डालेंगे हम इसमें, हल्दी भी ऐड कर दिए। अब डालेंगे हम इसमें जीरा पाउडर, और फिर ऐड करने वाले हैं हम गोल मिर्च और फिर खड़ा जीरा ऐड करेंगे। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। फिर खड़ा लहसुन दो ऐड करेंगे और मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह से। ये इसमें हम पानी ऐड करेंगे और फिर मसाला को भूनेंगे, और कटे हुए टमाटर और स्वाद ऐड करेंगे। हम भूनेंगे लगातार, और भूनने के बाद हम दिखा रहे हैं यहाँ पे मछली है, उसमें जो बचे हुए मसाला था उसमें हमने मिला लिया है इस तरह से। फिर हम तलने चल रहे हैं, तो हमने फ्राई पैन में तेल ऐड किया है और फिर हम सभी पीस को ऐसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मछली को हम तलने के लिए रख दिया है, और ऊपर से जो मसाला बचेगा हम इस पर लगा देंगे ऐसे। आप चाहें तो चम्मच के सहारे भी लगा सकते हैं, पर हम हाथी से लगा रहे हैं ऐसे। और यहाँ पे ब्राउन हो रहा है, हो गया है। अब पलट देंगे हम इसको, मछली को। तो सभी मछली को हम अच्छे से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ब्राउन हो चुका है, और यहाँ पे मसाला भी भुन गया है, और इसे हम और भुनेंगे मसाले को। और यहाँ पे मछली लगभग फ्राई हो चुका है, तो गैस को बंद करेंगे। और फिर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मसाले की पानी सूख चुका है, और इसमें हम ऐड करने वाले हैं पानी। आप जितना सालन रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड करें, और हम पानी ऐड कर चुके हैं, तो इतने पे हम रखना चाहते हैं सालन, तो इतना पानी ऐड कर दिए हैं। और फिर इसे ढक देंगे। 10 मिनट के बाद उबाल आने पर हम इसमें मछली को ऐड कर देंगे। एकदम सिंपल तरीके से मछली बनाएंगे, कोई झंझट नहीं है, और जो मछली का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा इस तरह से बनाने से। सभी धनिया के पत्ते को हमने पेस्ट बनाया था, अलग अलग नहीं, सभी मसाले को पेस्ट एक ही में बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मछली बनके तैयार हो चुका है, इसका बहुत अच्छा कलर आया है। आप इस तरह एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।